यूनिट 4 का टॉपिक चल रहा था, उसमें टुडे वी विल कवर टू टॉपिक्स. वन इज़ लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज, अनदर वन इज सिग्निफिकेंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स. सो लेट अस स्टार्ट विद लोडिंग एंड मेंटेनेंस डोज. ये ऑलरेडी हम लोग पिछले यूनिट में पढ़ चुके हैं. उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था इनफैक्ट आप लोग को कि वॉट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लोडिंग डोज. एनीवेज आगे कंटिन्यू करते हैं इसी को और फर्दर समझ में आ जाएगा. आई एम रीडिंग इट. अ ड्रग हैज़ टू रीच डिज़ायर्ड स्टडी स्टेट टू शो इट्स थेरापूटिक एक्टिविटी. इट टेक्स अबाउट 5 half-life. Therefore, if the time taken is too long, then plateau can be reached immediately by administering a dose that gives desired steady state before commencement of maintenance dose XO. Such an initial or first dose for therapeutic efficacy is known as priming dose or loading dose, जिसको लिखते हैं हम X0 के साथ L. क्या हुआ इसमें? इन जनरल कोई ड्रग यदि स्टेडी स्टेट में जाना है उसको, तो मल्टीपल डोजिंग में वो 5 half-life लेती है. ये हम पहले भी देख चुके हैं, 2-3 बार ये चीज़ कॉन्सेप्ट आ चुका है. अब सपोज़ किसी ड्रग को बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है प्लेटू को या स्टेडी स्टेट को रीच करने में, तब हमारे पास क्या ऑप्शन है? हम वेट करते रहे उतने टाइम तक? नहीं. तो हम क्या करते हैं कि उस स्टडी स्टेट को पहुंचाने के लिए एक हेल्प ले लेते हैं. किसकी हेल्प लेते हैं? ड्रग की, उस डोज की जो सिर्फ एक कैरियर का काम करे उसको स्टडी स्टेट तक लाने के लिए. स्टडी स्टेट मतलब ये जो कांस्टेंट कंसंट्रेशन वाली आती है, तो कुछ एक डोज दे दी हमने जो सिर्फ स्टडी स्टेट पे लाती है, उसके बाद आगे का काम करती है मेंटेनेंस डोज. ठीक है. अब जो ये इनिशियल फर्स्ट डोज हमने दी है उसको कहते हैं प्राइमिंग डोज या लोडिंग डोज. मैं रिपीट कर रही हूँ, लोडिंग डोज क्या है? ये वो डोज है जो कि उन ड्रग्स के लिए दी जाती है जिसका टाइम बहुत ज़्यादा लेता है स्टडी स्टेट पे पहुँचने के लिए. तो ये डोज फटाफट स्टडी स्टेट पे पहुँचा देती है, उसके बाद का काम मेंटेनेंस डोज करती है. इस प्राइमिंग डोज, प्राइमरी डोज को या लोडिंग डोज का लिखते हैं हम उसको सिंबल से X0L से. ये रहा X0L. तो X क्या होता है? कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब CSVD. SS क्यों लिखा? ये है स्टडी स्टेट. F क्यों लिखा? F इज फ्रैक्शन ऑफ द डोज एब्जॉर्ब्ड. ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग एब्जॉर्ब. ये कब है? IV के केस में ये नहीं आता, पर यदि हम ड्रग एक्स्ट्रा वेस्क्यूलर रूट से लेंगे तो ये आएगा. ठीक है, हम यहाँ पर चल रहे थे कि एफ आईवी के केस में हम इसको नहीं यूज़ करते हैं और एक्स्ट्रा वेस्कुलर में लेते हैं. इसका रीज़न इज़ आईवी के केस में ड्रग 100% एब्जॉर्ब हो जा रही है, तो एफ का कोई वैल्यू ही नहीं है. पर एक्स्ट्रा वेस्कुलर के केस में ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में टाइम लेती है, तो एफ कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि एफ क्या है? इट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ द ड्रग दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड. इसमें 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होता, आईवी के केस में होता है. तो जो स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होगी एक्स्ट्रा वेस्कुलर में वो कंपैरेटिवली कम होगी इन कंपैरिजन टू आईवी. ठीक. अब एक फॉर्मूला आता है लोडिंग डोज अपॉन में मेंटेनेंस डोज का. वो क्या है? 1/(1 - KE). KAT एक जगह KA है और दूसरी जगह KE है. अब यदि हम ड्रग को आईवी ले तो उसमें जो हमने पहले आईवी इन्फ्यूजन में भी देखा था, KA विल बी सो फास्ट दैट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड. तो फार्मूला क्या हो जाएगा? ये चीज़ आएगी नहीं. तो फार्मूला विल बी लोडिंग डोज अपॉन मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू 1/ ये वाली क्वांटिटी. इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन इंडेक्स, जिसको हम शो करते हैं RAC से. ये वाला पार्ट कहलाता है डोज रेशियो. ये बहुत बार ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता है, वॉट इज डोज रेशियो? तो डोज रेशियो इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ लोडिंग डोज अपॉन में मेंटेनेंस डोज. अब नेक्स्ट में मैं ये बताने वाली हूँ कि डोज रेशियो क्या होगा तो टो क्या होगा. यदि टाइम इंटरवल जो होता है वो ड्रग की T½ के बराबर होता है, तो दिस क्वांटिटी बिकम्स 2. करके देखना पड़ेगा एक्सपोनेंशियल को, तो ये क्वांटिटी हो जाएगी 2. और के ये आपको पता है 0.693/T½ होता है. ठीक है, अब नेक्स्ट में देखते हैं. अब वेन टो इज इक्वल टू T½, जैसे मैंने अभी पहले बताया था, तो डोज रेशियो इज इक्वल टू 2. नाउ व्हेन टो इज़ मोर देन T½, डोज रेशियो कम होगा. देखो ऑब्वियस ही बात है,
तो आपका डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी जितनी बड़ी होगी ये वाली क्वांटिटी उतनी छोटी होगी। तो इधर देखो टो यदि ज़्यादा है तो ये वाली चीज़ कम हो जाएगी, वही लिखा है डोज रेशियो विल बी लेस देन टू। और टो यदि टी हाफ से ज़्यादा है, टो की क्वांटिटी ज़्यादा है तो डोज रेशियो, टो की क्वांटिटी कम है तो डोज रेशियो बढ़ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैंने ग्राफ में बता रखा है। क्या चीज़ है ये, 1, 2, 3, 4, 5 हाफ लाइफ दिखा रखी है। जो ब्लू वाला पोर्शन है दैट इज़ डोज रेशियो 2, मतलब पहली वाली स्टेट। अब डोज रेशियो 2 से ज़्यादा मतलब ये ऊपर वाला, ठीक है, ये हो गया 2 से ज़्यादा मतलब ये वाली चीज़ हो गई। डोज रेशियो 2 से कम मतलब ये वाली हो गई, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग इज़, मैंने कहा था दो हेडिंग्स पढ़ेंगे, फर्स्ट इज़ कम्प्लीट, द सेकेंड इज़ सिग्निफिकेंस इन क्लिनिकल सेटिंग्स। ये 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है 5 पॉइंट्स एक्सप्लेन करने के लिए, या 5 नंबर के क्वेश्चन में। बहुत ही सिंपल है, मैं इसको रीड कर दे रही हूँ पॉइंट्स को, कि अभी तक जो हमने पढ़ा उन सब का सिग्निफिकेंस क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं इन चीज़ों को। नंबर 1, टू मेंटेन ड्रग विद इन थेरापूटिक रेंज। हमें जब पता होगा MSC क्या है, MEC क्या है, तभी तो हम उसको ड्रग की कंसेंट्रेशन को मेंटेन कर पाएंगे। दूसरा, टू रिड्यूस टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तीसरा, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स। डिज़ाइन ऑफ ऑप्टिमम फॉर्मुलेशन, ऑप्टिमम फॉर्मुलेशन मतलब बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्मुलेशन, नॉट टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी भी नहीं हो उसमें और मिनिमम इफेक्टिव कंसेंट्रेशन से भी ऊपर हो। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिमम फॉर्मुलेशन ऑफ कंट्रोल्ड रिलीज। नेक्स्ट, डिज़ाइन ऑफ मल्टीपल डोज रेजिमन। सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू सिलेक्ट राइट ड्रग फॉर पर्टिकुलर इलनेस। To satisfy the needs of the patients, to do dosage adjustment, and last therapeutic drug monitoring of the drug in individual patients. तो ये थे क्लिनिकल इनके जो सिग्निफिकेंस हैं। अब ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट कवर करने वाले हैं, थेरेप्यूटिक मॉनिटरिंग। थैंक यू।